वही लड़के को मिल गए दादू फाइनली। मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आज भाई घर से कर रहे हैं व्लॉग शुरू, और बाल देखो ऐसे सुबह सो के उठ के ना ऐसे होते मेरे बाल, ठीक है? पता नहीं मैं सोता ऐसे ऐसे पिल्लों में ना सर मार मार के सोता हूँ मैं तो ऐसे से हो जाते भाई बाल। तो अभी उठाई हूँ मैं, टाइम बच गया भाई 2:30, ठीक है? तो फटाफट भाई साहब नहाते धोते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना आज का प्रोग्राम। और अंदर जाने से पहले ये देखो जरा मौसम आज का, आज का मौसम है गरम, बहुत ही गरम मौसम है आज का। ओ भाई मारो मुझे। और बट ये है कि आसमान साफ है, तो बारिश के दूर दूर तक कोई आसार नहीं होते हुए, और इस वीकेंड पे हम गर्मी में मरेंगे। तो चलो गाइस देखते हैं, चलो अभी सो के उठ के नहीं एनर्जी होती, सो के उठ के मैं बुझ रखा होता हूँ, जैसे आयरन रखा होता ना मैं भी वैसे ही रखा होता हूँ। चलो चलते हैं। देख लो भाई दादी पोता मैचिंग करके सो रखे हैं मजे से, है ना? दोनों मैचिंग मैचिंग करके सो रखे हैं, देखना कपड़े। Oh my God! Wow! ऐसे कौन सोता है? वही लड़के को मिल गए दादू फाइनली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दादू का चमचा, ओए दादू के चमचे, दादू के चमचे, आजा मेरे पास आजा। अब नीचे है पापा, है अब नीचे है, ऐसी ही तैसी तेरी है। दादू बन जाते फिर पापा को छोड़ देता है, ले जाओ इसको घूमी घूमी ले जाओ, है ना? आ गया दूदू, आ गया भाई लड़के का। दादी दादू की ड्यूटी लगा रखी है अंदर, कोमल की ड्यूटी लगा रखी है, ऐसे चलता। देखो फाइनली उठ गया लड़का हमारा, और हम भी नहा धो के हो गए तैयार, देखो बढ़िया, और बाल ठीक हो गए हैं। सो के उठ के जैसे भूत बने होते ना वैसे नहीं बने हुए। चलो भाई खाना खाते पहले, कोई गरीब को खाना दे दो। अरे अम्मा खाना दे दो खाना, इज्जत ही कोई नहीं है भाई। चलो मैं खाने का करता हूँ जुगाड़ अपना प्रबंध, फिर करते बात। देखो गाइज हमारे देश के एम्प्लॉयज की डेडिकेशन, बिना खाए पिए, देखो 3:30-4 बजने वाले हैं, बिना खाए पिए लगे हैं काम करने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कमल खाना नहीं खाना है? ओए मजदूर, बंधवा मजदूर, ओ बंधवा मजदूर, रोटी नहीं खाओगी हैं? ऐसा कैसा काम कर रही हो? हम तो रोटी के लिए ब्रेक डाल के बैठ जाते हैं कि जब रोटी बने तभी ब्रेक डाल लो साथ के साथ। तुम तो रोटी खाना पीना छोड़ के बैठी हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देखा गाइस तभी कहते हैं डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क इज गुड, बट ओवर डेडिकेशन इज नॉट गुड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड व्हेन यू डू ओवर डेडिकेशन यू बिकम साइको, एंड व्हेन यू बिकम साइको यू डोंट हैव योर फूड, एंड इफ यू डोंट हैव योर फूड देन यू विल डोंट लाइक योर जॉब, एंड इफ यू डोंट लाइक योर जॉब देन क्या हमारे मतलब आपको मत। देखो ये दिस इज लाइफ, दिस गोज इन अ सर्कल। मैं समझाता हूँ कैसे, देखो रुको मैं समझाता हूँ, मैं पहले खुद ही कर लूँ। तो भाई सीन देखो ऐसा होता है, अभी देखो ये लड़की खाना खाने की, ठीक है? तो ये अभी से लगेगी भूख, ठीक है? ये बिना खाना खाए जॉब पे कर रही है कॉन्सेंट्रेट, ठीक है? अब सीन ऐसा होगा कि थोड़ी देर बाद इसको भूख बढ़ जाएगी, फिर ये होगी चिड़चिड़ी, फिर इसको पता नहीं है कि ये दिमाग से काम करना बंद कर देता है बिना खाना खाए। कि अगर आप खाना ना खाओ तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, दिमाग काम करना बंद कर जाएगा तो आपको समझ में आना बंद हो जाएगा, जब समझ में आना बंद हो जाएगा तो जो आपको समझाएंगे ट्रेनिंग में वो आपको समझ में नहीं आएगा, जब समझ में नहीं आएगा फिर आपको चढ़ेगा गुस्सा कि क्या बोलते हैं मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। फिर ये नहीं सोचेंगे कि ये खाना खाने की वजह से हो रहा है, फिर ये सोचेंगे कि ये किस वजह से हो रहा है, कि हम मंदबुद्धि बच्चे हैं। तो इसलिए कहते हैं खाना खाओ टाइम पे, ठीक है?
तभी दिमाग काम करेगा, तभी दिमाग शांत रहेगा। तो पीपल फाइनली आप निकल गए भाई घर से, और अभी मैं जा रहा हूँ उड़ता हुआ क्योंकि मैंने मार्केट जाना था सामान लेने, और मैं निकला हूँ भाई 6:15 बजे। और कमाल हो गया कि 6:15 बजे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस होता है इस टाइम, तो मैं जा रहा हूँ भाड़ में। What? क्योंकि मैं हमारे नारी लाइट है। तो भाई सीन ऐसा है ना, मैं हो गया तंग बड़ा ज्यादा कसम से, इतना महंगा फ्लैट रहने के बाद लाइट फेरनी है भाई गॉड, कसम से लाइट ही नहीं है भाई, लाइट ही नहीं आ रही, क्या करें हैं। फिर 1.5-2 घंटा लाइट चली गई, अभी फोन करा कहते 8:30-8 बजे आएगी, यार बताओ यही करते रह जाओ, और फिर ऑफिस टाइम पे ना लगाओ तो फिर वो अलग गालियां देते हैं कि तुम्हारे बहाने ही नहीं हटते। अब उनको कौन समझाए कि भाई नहीं आ रही लाइट तो क्या कर लेंगे, फिर उनको भेजे फिर बोलते तुम ऑफिस आके लगा लो। अब उनको ये भी नहीं समझा सकते कि ऑफिस आके भाई कैसे आए, ऑफिस ऑफिस भी नहीं आ सकते, ये नहीं समझते कि हाँ भाई हम लैपटॉप लूपटॉप दे दें इनको आराम से सौखा हो जाएगा इनका, बट नहीं 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 हम लैपटॉप थोड़ा ना देंगे क्योंकि उसमें हमारे पैसे लगेंगे, है ना। चीज ऐसे बताओ, कहते बैकअप और ले लो, मैं कहा बैकअप का जनरेटर लगवा लूँ अब तो ऐसा सीन है भाई। तो हो गया मैं खर्च बहुत ज्यादा, और आपा जा रहे हैं अब कोमल के मम्मा के घर फाइनली, क्योंकि वही एक सहारा है हमारा, जब बिजली ना हो तो वहीं जाना पड़ता हमें। और ये तो शुक्र है कि उनका घर पास में तो जा सकते हैं, और अगर नहीं होता तो फिर तो भाई हो गया था हमारा काम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, कहीं दूर होता उनका घर 100-150 किलोमीटर तो भाई यहाँ तो तेल ही पकता रहता था मैं। तो चलो अभी वेट करते हैं भाई, कोमल आ रही है काके को लेके, फिर चलते हैं। तो छुट्टी है वैसे भी, कोमल की शिफ्ट फ्री हो गई है, 2-3 दिन उसकी भी छुट्टी है सैटरडे संडे आ गया उसकी है छुट्टी, तो मैं कहा चलो चलते हैं आज के लिए तो चले, कल का देखेंगे क्या करना है। तो लेट अस गो, चलो भाई चले। कितनी अच्छी किस्मत है हमारी, बिना लाइट के कभी इधर कभी उधर ऐसे ही चलता है हमारा। क्या कहना चाहोगे आप इस रोशनी के बारे में? ऐसे होता जब हम सेटल लड़कों से शादी करते हैं ना। बहुत तेज हो रहा है। वेल सेटल्ड। ताने देख लो कैसे आ रहे उड़ते हुए। गाइस लड़की मुझे ताने मार रही है, टॉन्ट देख लो। तुम टॉन्ट मार रही हो मेरे को? खुद ही देख सकते हैं, महीने में कितनी बार तो हम बोल रहे थे लाइट गई पानी गया लाइट गई पानी गया, सोच तो लगे बड़ैल तो नहीं रहते निकलते तो सोसाइटी से है किसी से है ना, निकलते तो कहीं हाई रेस्ट सोसाइटी से है, हरकत इनकी बड़ैल वाली है। बड़ैल में तो नहीं कहीं हाई रेस्ट सोसाइटी को निकली कोई। Oh, tears. सही बात है, चलो कोई नहीं। चलो भाई पहुंचे पहले मम्मा के घर, इसके वहाँ जाके सिस्टम भी लगाना अभी मुझे, ये देखो ये सारा तामझाम लेके ना, सिस्टम लेके थैलो में सिस्टम लेके ना ऐसे ही करना पड़ता है इनके साथ, थैलो में ले जाना पड़ते हैं तो मेरे... वाला और डीमार्ट के थैलों का। हाँ थैले तक नहीं दिए कसम से जिसमें सिस्टम ले जाएं, वो भी डीमार्ट के, देखो थैलो में ले जा रहा हूँ मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसे हाल है कसम से ना। चलो चले निकले, पहुंचते फटाफट फिर करते बात। हमारी टीम में सभी लड़कों के दिल टूट गए। क्यों आज क्यों दिल टूट गए उनके? जो मैंने बताया था ना हमारी ट्रेनर है जो कृतिका मलिक जैसी लगती है, आज उन्होंने बता दिया कि उनकी शादी को 2 साल होने वाले नवंबर में। ओह यस, वो सारे कहते हमें तो लगा नहीं कि आप मैरिड हो गए, बोल इसीलिए हम लोग टूट, कदम ही नहीं मैम को देखो, कहते इनको देख के लगता है ना कि मैरिड हो गए, कहते आप तो वो भी नहीं लगाते जो लगाते। ओए ओए लड़की बेइज्जती करती तेरी, गजब बेइज्जती है। उसने कुछ नहीं पाया होता, ब्लॉग्स में देख लेते हैं ना वो, फिर एक लड़का पीछे बना हुआ था कहते लड़के को दिखाओ अपने लड़के को दिखाओ, मैं कहा ब्लॉग्स में देखना, एक कहती क्यूट है उसने देखा ना पलक ने। पापा कहते पापा 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 कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, ये रात को ही बोलता है। ऐसे गुस्से से देख रहा मम्मी को, ऐसी की तैसी तेरी मोटी। तो भाई लोगों फाइनली आप पहुँच गए हैं कोमल के मम्मा के घर, और यहाँ पे लग रही है हमारी दिहाड़ी, ऐसा सा सीन है और दिखाता हूँ रुको। ये खड़ी मेरी बेबी, ये रहा मौसम, आज पहाड़ दिख नहीं रहे हैं क्योंकि धूल बहुत है, और ये देखो इसकी वजह से नहीं दिख रहे पहाड़, ऐसा सा मुद्दा भाई, ये है वजह पहाड़ ना दिखने की। तो चलो
मौसम के लेते हैं मजे, मौसम के मजे क्या, मैं तो शिफ्ट लगानी है भाई अभी पूरी, बट आज आखिरी शिफ्ट है भाई, आज फ्राइडे है फाइनली। मैंने एक्चुअली आज के लिए रखी थी भाई छुट्टी, बट पिछले हफ्ते की मेरे वो हो गई थी ना लाइट करके, जो बहुत ज़्यादा छुट्टी हो गई थी, तो इस करके 3 दिन की छुट्टी तो वो हो गई थी, तो इस करके फिर मैंने ड्रॉप कर दिया आज का। मैंने कहा यार काम बहुत पेंडिंग हो गया था, तो मैं कहा छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई है मेरी इस महीने, नाना करते हुए मैंने 6-7 छुट्टियाँ ले ली है भाई, तो बस इस करके मैंने कहा चलो ड्रॉप करते हैं प्लान इस बार छुट्टी का, अगले हफ्ते ले लेंगे क्या हो गया तो ऐसा सीन है। तो चलो भाई अभी करते हैं काम, 2 मिनट में आया था बालकनी, मैंने कहा चल थोड़ी हवा खाते हैं उसके बाद चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं क्या करना है। देखो भाई लड़का सो गया मजे से कूलर की हवा में, ठीक है कूलर के साथ ही है, पिल्लो और चद्दर का कलर सेम ना, बीच में देखना कैसे सो रहा है ठगला ही लड़के की ना मजे से लगे सोने, हमारा बना हुआ भूत शिफ्ट से और कूलर की आवाज़ में ना मेरी आवाज़ दे रही होगी। चलो आप लोग भी करो एंजॉय, मैं भी आज का ब्लॉग करता हूँ यहीं खत्म, तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड हैव फन।